नमस्कार दोस्तों, आज हम नया फॉल्ट लेके आए हैं। देखिए, टीवी चालू तो है लेकिन इसमें कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। देखिए, कोई पर्दा ही नहीं आ रहा है, जबकि एसटी हमारी बन रही है, टीवी चालू है, साउंड भी आ रहा है लेकिन कोई पर्दा नहीं आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आप लोगों को। हमारे चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दें। यहाँ पे देखिए, ये साउंड के वायर हैं, इनको सभी को निकाल लेंगे, प्लेट को अलग निकाल लेंगे, तभी चेक करने में आसानी होगी। देखिए, हमने टीवी को खोल लिया है। यहाँ पे सबसे पहले हम बीप की रेंज में मीटर को सेट करेंगे। यहाँ पे शॉर्टिंग चेक करेंगे, कहीं पे शॉर्टिंग तो नहीं है। देखिए, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। आगे चेक करेंगे, यहाँ पे 110 वोल्ट की सप्लाई आती है, यहाँ पे भी चेक करेंगे, यहाँ पे भी कोई शॉर्टिंग नहीं है। देखिए, यहाँ पे भी शॉर्टिंग चेक करेंगे। सबसे पहले शॉर्टिंग चेक करेंगे, कहीं पर शॉर्टिंग तो नहीं है, फिर बात के आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को पूरा देखें तभी आप लोगों के समझ में आएगा। एक बार अच्छे से चेक कर लें। देखिए, यहाँ पे कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है। ये आउटपुट ट्रांजिस्टर है, ये एसटी के जो बगल में लगा है, ये अगर काम नहीं करेगा तब भी ऐसी दिक्कत हो सकती है। इसको भी चेक कर लें। यहाँ पर भी देखिए, कोई शॉर्टिंग नहीं है, क्योंकि ये ख़राब होगा तो EST ही नहीं बनेगी हमारी। यहाँ पे कुछ रिसोल्डर हमें दिख रहे हैं, कुछ टाके खुले हुए दिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इनमें रिसोल्डिंग कर देंगे। यहाँ पे देखिए, कुछ टाके हमें खुले दिख रहे हैं। यहाँ पे फटाफट थोड़ा थोड़ा एक बार से रिसोल्डिंग कर देंगे अच्छे से। अगर आपके टीवी में भी ऐसी दिक्कत हो तो आप एक बार अच्छे से रिसोल्डिंग करके देख लें, क्योंकि इसकी वजह से भी ऐसी दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे देखिए, जो भी टाका रिसोल्डर हो उसको अच्छे से रिसोल्डर कर दें, जो टाका खुला हो उसको अच्छे से यहाँ पे रंगा से रिसोल्डिंग कर दें, क्योंकि जब किट ज़्यादा पुरानी हो जाती है तो ये हीट हो जाती है, हीट होने की वजह से टाके इसके खुल जाते हैं, इसलिए इसको अच्छे से यहाँ पे रिसोल्डिंग कर दें। हम हर तरह की वीडियो लाते हैं हमारे चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। चलिए, इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखें, कोई टाँका एक दूसरे में जुड़ने ना पाए, इसका ध्यान रखें, नहीं तो और भी कोई दूसरा फॉल्ट हो सकता है, इसलिए इसमें ध्यान से काम करें। एक बार अच्छे से चेक कर लें, कहीं पे कोई टाँका एक दूसरे में जोड़ा तो नहीं है। चलिए, इसको हम सप्लाई देके देखते हैं कहाँ कहाँ पे सप्लाई आती है। देखिए, यहाँ पे 300 वोल्ट से ऊपर सप्लाई आ रही है। देखिए, यहाँ पे 110 वोल्ट की सप्लाई आती है, यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए, 110 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। यहाँ पे 25 वोल्ट की सप्लाई आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे 25 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, जो वाटकल के लिए जाती है। यहाँ पे 11 वोल्ट की सप्लाई आएगी, जो रेगुलेटर सेक्शन के लिए होती है, यहाँ पे भी आ रही है, ये सिस्टम को ऑन करने के लिए होती है। यहाँ पे 15-16 वोल्ट की सप्लाई आती है, जो साउंड आईसी के लिए होती है, यहाँ पर भी सप्लाई आ रही है। यहाँ पर भी देखेंगे ट्रांजिस्टर के आउटपुट में, देखिए यहाँ पर EST हमारी चालू है तो ये ट्रांजिस्टर में सप्लाई नहीं दिखाएगा, कम ज़्यादा इस तरह से दिखाएगा। अगर EST हमारी चालू नहीं होती तो वहाँ पे हमें 110 वोल्ट की सप्लाई देखने को मिलती, लेकिन हमारी EST चालू है, टीवी चालू है, लेकिन फिर भी कोई
पर्दा नहीं आ रहा है, चित्र नहीं आ रहा है। यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे मेमोरी ऐसी है, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। ट्यूनर पे भी देखते हैं, यहाँ पे भी 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। देखिए हमारी हर जगह सप्लाई आ रही है। हम यहाँ पे चेक करेंगे ESD से जो 180 वोल्ट की सप्लाई निकलती है और 3 वोल्ट की सप्लाई जो हीटर के लिए निकलती है वहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 190 के आसपास सप्लाई दिखा रही है। किसी टीवी में 180 होती है, किसी में 190 भी होती है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। जो बेस बोर्ड में जाती है 180 वोल्ट की सप्लाई, वो 195 दिखा रही है। यहाँ पे हीटर की सप्लाई चेक करेंगे, यहाँ पे बन रही है कि नहीं बन रही है। देखिए यहाँ पे भी 3.4 के आसपास सप्लाई दिखा रही है। यहाँ पे भी हीटर की सप्लाई बन रही है। अगर ये सप्लाई नहीं बनेगी तो भी हमारी पिक्चर में कोई पर्दा नहीं आएगा, चित्र नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे सारी सप्लाइयाँ देखिए बन रही हैं, फिर भी हमारी टीवी में देखिए कोई पर्दा नहीं आ रहा है। देखिए कोई लाइट ही नहीं आ रही है, जबकि सभी सप्लाइयाँ सही हैं। हमारे तो समस्या कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे बेस बोर्ड जो लगा है, दिक्कत यहीं पे है। ये जो बेस बोर्ड दिख रहा है इसी में दिक्कत है, इसी में देखते हैं चेक करके। देखिए यहाँ पे बेस में देखिए यहाँ पे कार्बन लगा हुआ है, ये देखिए बीच के पॉइंट देखिए उखड़ गया है, यहाँ पे जंग लग गया है, इसकी वजह से इसका पिन उखड़ के पिक्चर ट्यूब में ही रह गया है। ये फोकस का पिन होता है, अगर फोकस की सप्लाई नहीं जाएगी तो हमारा फोकस ही नहीं बनेगा, पिक्चर ट्यूब में लाइट ही नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे पिन उखड़ के उसी में रह गया है, देखिए पिक्चर ट्यूब में। देखिए देखिए यहाँ पे कार्बन लग गया, लगने की वजह से ये पिन ही उखड़ गया है। देखिए यही फॉल्ट है जिसकी वजह से पिक्चर में कोई फोकस नहीं आ रहा है, कोई चित्र नहीं आ रहा है। देखिए इसको निकाल लेते हैं आराम से। देखिए देखिए ये बेस में जो बीच में लगा होता है ये उसका पिन है, देखिए ये कट चुका है, इसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है। एक बार अच्छे से चेक कर लें, देख लें। देखिए हमें ये फॉल्ट मिला, इसी की वजह से हमारे टीवी में कोई फोकस ही नहीं बन रहा था। टीवी जबकि चालू थी साउंड भी आ रहा था, लेकिन इसकी वजह से कोई चित्र ही नहीं आ रहा था। तो हम बेस को चेंज करेंगे, यहाँ पे दूसरा बेस लगाएंगे। बेस को निकाल लेते हैं फटाफट। ये फोकस का वायर है, देखिए ये जो वायर लगा है यही फोकस का वायर, बीच के पिन से हमारे पिक्चर ट्यूब में सप्लाई जाती है। यही अगर ये कट जाएगा तो हमारी टीवी में कोई पिक्चर ही नहीं आएगा, कोई चित्र ही नहीं आएगा, फोकस ही नहीं बनेगा, क्योंकि ये फोकस का पिन होता है। एक बार अच्छे से ज़रूर चेक करें। इसको फटाफट निकाल लेते हैं बेस को हम। अगर पिक्चर ब्लर भी आ रही है तो इसकी वजह से दिक्कत होती है। अगर पिक्चर आपकी क्लियर नहीं आ रही है तो आप बेस को चेंज कर दें, आपकी पिक्चर क्लियर आने लगेगी। इसको निकाल लेते हैं फटाफट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखिए यहाँ पे काफ़ी कार्बन लगा हुआ है, देखिए दूसरा बेस है, हम यहाँ पे नया बेस लगाएंगे। बेस दो प्रकार का आता है, एक छोटा आता है, एक बड़ा आता है। आपके टीवी में जो लगा हो वही लगाएं, और जिस तरह से लगा हो उसी तरह से लगाएं, क्योंकि यहाँ पे दो बेस की जगह दी गई है। दो बेस यहाँ पे लग सकते हैं, एक छोटा भी लग सकता है, एक बड़ा भी लग सकता है। तो आप जिस तरह से बेस को निकालें उसी तरह से लगाएं, उल्टा मत लगा दें।
यहाँ पे अच्छे से रिसोल्डिंग कर देंगे। अच्छे से रिसोल्डिंग कर देंगे यहाँ पे, कोई टाँका एक दूसरे पे ना जुड़ने पाए, ध्यान से काम करें। यहाँ पे 180 की सप्लाई और 3 बोल्ट की सप्लाई भी यहाँ पे बेस बोर्ड में नहीं आएगी, तभी ऐसी दिक्कत आती है। 3 बोल्ट की जो हीटर के लिए सप्लाई जाती है, फिलामेंट को जलने के लिए होती है, एसी बोल्ट में होती है वो 3 बोल्ट की सप्लाई। अगर यहाँ पे बेस बोर्ड में नहीं आएगी तो भी ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है, लेकिन सारी सप्लाइयाँ हमारी आ रही थी, बेस बोर्ड में भी सप्लाइयाँ आ रही थी, लेकिन हमारा बेस ही देखिए ख़राब था, जिसकी वजह से ऐसी दिक्कत आ रही थी। अब इसको यहाँ पे फोकस का वायर लगा देंगे, यहाँ पे फोकस का वायर लगता है, जो दूसरे जो पहला बेस था उसमें इसका वायर कट गया था, इसकी वजह से फोकस नहीं बन रहा था। इसको अच्छे से सोल्डिंग कर देंगे। यहाँ से भी अगर ये वायर निकल जाएगा तो पिक्चर ट्यूब में कोई फोकस ही नहीं आएगा, कोई फोकस ही नहीं बनेगा, पिक्चर ही नहीं आएगा। तो ध्यान रखें, हर फॉल्ट को अच्छे से चेक करें। इसको इस तरह से लगा देंगे अच्छे से। अब इसको लगा के चेक करेंगे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई, देखते हैं। यहाँ पे ये ग्राउंड का वायर है, इसको भी यहाँ पे ग्राउंड में ही जोड़ देंगे। देखिए अब इसको हम लाइट में लगा के चेक करेंगे कि हमारी समस्या सही हुई कि नहीं हुई, दिखाते हैं आपको आगे। देखिए पर चित्र आ गया, देखिए पर्दा भी आ गया। दिक्कत वहीं पे थी जिसकी वजह से यहाँ पे कोई फोकस ही नहीं आ रहा था। देखिए यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, ये लॉक कैसे हटेगा इसके बारे में अगला वीडियो।